हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। आज के सेशन में 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, एक भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा। एंड फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर से जुड़ जाइए। मेरे चैनल पर सभी प्रकार के वीडियोज अवेलेबल हैं। थ्योरी सेशन चैप्टर वाइज मैंने कम्प्लीट कर दिया है एंड चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड यूपीएससी टीआई 2 में मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों में चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर का, एक एक टॉपिक का प्रैक्टिस कराया हुआ है। एंड 2024 के ऑल फिजिकल एजुकेशन कंपटीशन एग्जाम के लिए यह 72वां प्रैक्टिस सेट है। चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, सीखने का सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्तों, सीखने का सिद्धांत आप सबको पता है कि थॉर्नडाइक ने दिया है। इन्होंने सीखने के नियम के अंतर्गत मुख्य नियम और गौण नियम दिए हैं, जिसमें से मुख्य नियम इन्होंने दिया है लॉ ऑफ रेडीनेस यानी तत्परता का नियम, जिसे माइंडसेट का नियम भी कहा जाता है, तैयारी का नियम भी कहा जाता है। दूसरा इन्होंने दिया लॉ ऑफ एक्सरसाइज, जिसे अभ्यास उपयोग या अनुपयोग का नियम भी कहा जाता है। तीसरा इन्होंने दिया लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन या लॉ ऑफ इफेक्ट, जिसे प्रभाव का नियम या परिणाम का नियम या संतोष का नियम कहा जाता है। नेक्स्ट है, बाल्यावस्था में व्यक्ति का व्यवहार मुख्य रूप से प्रभावित होता है। तो दोस्तों, बच्चा बाल्यावस्था में परिवार से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन एक प्राथमिक प्रवृत्ति नहीं है? तो दोस्तों, भूख, प्यास, अनुराग, ये तीनों प्राथमिक प्रवृत्ति हैं, सेक्स जो है यह नहीं है। नेक्स्ट है, अगर 23 दल हैं या टीमें हैं तो एक नॉकआउट प्रतियोगिता के लिए कितने बाई दिए जाएंगे? तो बाई ज्ञात करने का सूत्र होता है नेक्स्ट पावर ऑफ 2 - n। तो नेक्स्ट पावर ऑफ 2 में कितना हो जाएगा? 2 के पावर 5, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा? 32 - 23 आएगा कितना दोस्तों? 9, ठीक है। कितने बाई दिए जाएंगे? तो 9 बाई दिए जाएंगे। नेक्स्ट है, प्रतियोगिता में खेलने की योजना के प्रारंभिक रूपरेखा को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, उसको रणनीति कहते हैं, योजना बनाना कहते हैं, यानी स्ट्रेटजी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, माँ के सेक्स क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? तो किस संरचना कैसी होती है? क्रोमोसोम्स तो 46 गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम्स यानी कि 22 जोड़े, 23 जुड़े। तो यहाँ पे एक्स एक्स टाइप्स की संरचना होती है माँ में और पिता में एक्स वाई। नेक्स्ट है, हाइड्रोथेरेपी को यह भी कहा जाता है। तो दोस्तों, जल के द्वारा या जल से जो भी विधि से चिकित्सा किया जाता है उसी को हाइड्रोथेरेपी कहा जाता है। तो जल चिकित्सा यहाँ राइट आंसर होगा, बर्फ चिकित्सा को क्रायोथेरेपी। नेक्स्ट है, स्कोलियोसिस एक शारीरिक कुरूपता है, यह किससे संबंधित है? तो दोस्तों, लेटरल डिविएशन ऑफ स्पाइन यानी कि जो हमारा स्पाइनल कार्ड होता है, स्पाइन होता है, वह एक दो झुक जाता है किनारे की तरफ, यानी कि गर्दन दूसरी तरफ यानी कि ऊपर की तरफ दूसरी तरफ झुक जाता है और हिप जो है दूसरी तरफ झुक जाता है, यस या सी का आकृति बनाता है, उसे स्कोलियोसिस कहती है। तो रीढ़ की हड्डी से संबंधित सारी कुरूपता है। नेक्स्ट है, पुनः स्थापना यानी कि रिहेबिलिटेशन प्रोसेस, पुनर्वास की प्रक्रिया में राइज शब्द का प्रयोग क्या होता है? कभी भी कुछ भी होने पर प्राथमिक चिकित्सा के तौर पर पुनर्वास के लिए प्रथम प्रयास किया जाता है RICE पद्धति का, ठीक है। तो आर से हो जाएगा रेस्ट, आई से आइस यानी बर्फ लगाना, सी से कंप्रेशन यानी दबाव डालना हृदय के तरफ,
एंड ई से हो जाएगा एलिवेशन, ठीक है, यानी ऊपर उठाना, हृदय की ऊंचाई से ऊपर उठाना। तो ये ऑप्शन नंबर घ यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों, त्वचा के ठीक नीचे पाए जाने वाले वसा को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे सबकुटेनियस वसा कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारी भार प्रशिक्षण के कारण बढ़ने वाले पेशी पिंड को क्या कहते हैं? तो जब भी मांसपेशी की शक्ति बढ़ने की, पेशी आकृति बढ़ने की, उसमें महान स्ट्रेंथ डेवलप करने की बात कहे तो मस्कुलर हाइपरट्रॉफी कहलाएगा। लेकिन नियमित व्यायाम न करने से मांसपेशी कमजोर छोटी हो जाती है, शक्ति कम हो जाती है, ये अनुवांशिक भी होता है, उसे हम कहते हैं डिस्ट्रॉफी या अट्रॉफी, याद रखिएगा। एंड जब मांसपेशी अपेक्षा से ज्यादा आकार में बढ़ता है और स्थिर भी रहता है उसे कहते हैं हाइपोकाइनेटिक। ये क्वेश्चन जरूर आता है, इसलिए इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कभी। नेक्स्ट है, शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी पेशी, लॉन्गेस्ट मसल्स कौन है? आप सबको पता है सबसे लंबी पेशी होती है जांघ की सार्टोरियस, जिसे पट्टा पेशी भी कहा जाता है, और सबसे बड़ी मसल्स होती है ग्लूटियस मैक्सिमस खुलेगी, सबसे छोटी मसल्स होती है हमारे कान की स्टेपीडियस, सबसे मजबूत मसल्स होती है हमारे निचले जबड़े की मसेटर मसल्स, जो मैंडिबल हड्डी पर लगा रहता है। मैंडिबल हड्डी जो है शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है, और मसेटर मसल सबसे मजबूत मसल्स होती है। नेक्स्ट है, जांग के पीछे की पेशियों को क्या कहा जाता है? तो जांग के ऊपर जो होता है सामने, उस क्वाड्रिसेप्स बोला जाता है, चार पेशियों से मिलकर बना होता है, जो घुटनों को फैलाने में मदद करता है और हिप को मोड़ने में, जबकि जांग के पीछे की पेशी को हम कहते हैं हैमस्ट्रिंग मसल्स, ठीक है, जो घुटने को मोड़ने में काम आता है। तो हैमस्ट्रिंग मसल्स तीन पेशियों के ग्रुप से बना होता है, बाइसेप्स फेमोरिस, सेमी मेम्ब्रेनियस एंड सेमी टेंडेनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था के पूर्व तक सेक्स हार्मोन का स्त्राव किया जाता है? दोस्तों किशोरावस्था के पूर्व तक इस हार्मोन्स का स्त्राव किया जाता है पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। नेक्स्ट है, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, आप सबको पता है ये कोच यानी प्रशिक्षक को दिया जाता है, विशिष्ट खेल प्रशिक्षक को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं ने सबसे पहले किस ओलंपिक में भाग लिया था? तो दोस्तों महिलाओं ने सबसे पहले 1900 पेरिस फ्रांस ओलंपिक में भाग लिया था, और क्वेश्चन ने बीपीएससी टीआईटू में पूछा हुआ था कि महिलाओं ने सबसे पहले किस ओलंपिक में भाग लिया था, लेकिन वहां पे किसी भी ऑप्शन में 1900 पेरिस फ्रांस नहीं था, और पांच ऑप्शन था कि इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं, और तो आप क्या मारेंगे दोस्तों, आपको क्लियर पता रहेगा तो आप हमेशा क्या मारेंगे, अगर 1900 पेरिस फ्रांस नहीं दिया रहेगा तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन डीवी ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया था? तो दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं, प्रकृतिवाद के प्रतिपादक कौन है? नेचुरलिज्म के रूसो, यथार्थवाद रियलिज्म के अरस्तु, आदर्शवाद आइडियोलिज्म के प्लेटो, यहाँ व्यवहारिकता या वास्तविकतावाद, प्रैक्टिकल रियलिटी यानी एक्सपेरिमेंटिज्म रियलिज्म, या इसको प्रयोगवाद या व्यवहारवाद भी कहा जाता है, इसके प्रतिपादक है जॉन डीवी। नेक्स्ट है, कंकाल मांसपेशी यानी कि स्केलेटल मसल्स में सबसे बाहरी संयोजी ऊतक की सतह कौन सी होती है? तो दोस्तों संपूर्ण मांसपेशी को घेरा रहता है एपिमाइसियम की संयोजी ऊतक, और मांसपेशी तत्वों के समूह को फासिकुलस को घेरा रहता है पेरिमाइसियम, और एक मांसपेशी तंतु को घेरा रहता है एंडोमाइसियम। तो यहाँ पे मांसपेशी यानी संपूर्ण मांसपेशी के बाहरी बाहर को कौन संयोजी ऊतक घेरा रहता है? तो यहाँ पे संपूर्ण मांसपेशी की बात कर रहा था, एपिमाइसियम हो जाएगा, मांसपेशी तंतु के समूह को कहेगा तो पेरिमाइसियम हो जाएगा, केवल एक मांसपेशी तंतु को घेरने की बात कहेगा तो एंडोमाइसियम हो जाएगा। नेक्स्ट है, बॉल एंड सॉकेट संधि का प्रकार होता है? दोस्तों
बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट ऐसा है जो सभी दिशाओं और तल में गति करता है, इसीलिए इसको मल्टी एक्सियल ज्वाइंट कहा जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न से कौन एक द्विसंधि पेशी है? तो द्विसंधि पेशी यहाँ से आपका ये हमारे बाह में कोहनी के आसपास पाई जाती है, तो बाइसेस ब्रोंकी आपका द्विसंधि पेशी है, जो द्विशिरस्क भी बोला जाता है। नेक्स्ट है, किस अवस्था में माध्यमिक सेक्स गुण उत्पन्न होते हैं? तो आप सबको पता है किशोरावस्था टीन एज में। नेक्स्ट है, 2016 में किस शहर ने ओलंपिक की मेजबानी की थी? तो दोस्तों हुआ था रियो डी जेनेरियो ब्राजील में 2016 का, 2020 का हुआ था टोक्यो जापान में। नेक्स्ट है दोस्तों, हरबंस सिंह ने एक कौशल की रचना की थी, परीक्षा बनाई थी परीक्षा, तो वो हॉकी के लिए बनाए थे हरबंस सिंह स्किल टेस्ट। नेक्स्ट है, 2010 कॉमनवेल्थ गेम के समय भारत के खेल मंत्री कौन थे? दोस्तों उस समय SM गिल थे, लेकिन वर्तमान में कौन है? अनुराग ठाकुर। नेक्स्ट है, यदि एक टेबल टेनिस टेबल की लंबाई 9 फीट है तो इसकी लंबाई मीटर में क्या होगी? तो एक फीट में कितना मीटर होता है दोस्तों? एक फीट में 30 सेंटीमीटर होता है। अगर 30 का 9 में गुणा करेंगे तो 9 × 27 यानी कि 2.74 मीटर आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 2.7 यहाँ पे आप जानते रहिएगा कि 9 फीट में कितना हो, फीट में एक फीट में कितना होता है, हम आसानी से निकाल लेंगे। तो टेबल टेनिस जो गेम होता है उसकी जो टेबल की लंबाई होती है कितना होता है? 9 फीट, याद रखिएगा। टेबल टेनिस के टेबल की लंबाई 9 फीट होती है और उसकी चौड़ाई कितनी होती है? चौड़ाई होती है टेबल की 1.525 मीटर। नेक्स्ट है, निरंतरता की अधिकता वाले खेल के लिए भोजन में प्रचुरता होनी चाहिए। निरंतरता यानी कि एंड्योरेंस वाले यानी कि सहनशीलता वाले खेलों में हमेशा किसकी ज़्यादा आवश्यकता होती है? ऊर्जा की। तो कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होगी, जबकि स्ट्रेंथ बॉडी बिल्डिंग बॉडी के लिए प्रोटीन की ज़्यादा आवश्यकता होती है। दोनों में अंतर समझिएगा। नेक्स्ट है, पेशी का कंसेंट्रिक और इसेंट्रिक संकुचन एक भाग है, इसका भी आंसर आपने तुरंत दे दिया होगा, कई बार प्रैक्टिस करते करते आप इसका अभ्यस्त हो चुके हैं। तो कंसेंट्रिक जिसकी लंबाई कम होती है, इसेंट्रिक लंबाई ज़्यादा होती है, जिसमें लंबाई कम ज़्यादा होती है उसे क्या कहते हैं? आइसोटोनिक कंट्रैक्शन। ठीक है, स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए 3 विधियाँ हैं, आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक। आइसोटोनिक की खोज 1954 में ली दोनों ने किया था, और आइसो मतलब सेम, टोनिक मतलब तनाव, सेम तनाव होता है, पेशी छोटी बड़ी होती है और शक्ति प्राप्त करने की सर्वोत्तम विधि है। इसके अंतर्गत कैलिस्थेनिक व्यायाम, एक ही स्थान पर दौड़ना, भार प्रशिक्षण, मेडिसिन बाल थ्रोक के साथ व्यायाम, यह उपकरणों और बिना उपकरण दोनों के साथ किया जाता है। दूसरा होता है आइसोमेट्रिक, आइसोमेट्रिक को 1953 में बनाया गया हेटिंगर और मुलर के द्वारा, और आइसो मतलब सेम, मैट्रिक मतलब लंबाई, इसमें सेम लंबाई होता है पेशी की और इसमें प्रत्यक्ष कोई गति नहीं होती है, कार्य होता दिखाई नहीं देता है, और इसी अवस्था में होता है जैसे दीवार को धकेलना। एंड तीसरा होता है आइसोकाइनेटिक, आइसो मतलब सेम, काइनेटिक मतलब गति, यानी सेम गति जिसमें होती है, जिसकी खोज जेम्स पेराइन ने 1968 में किया था, कहीं कहीं 1960 मिलता है। और आइसोकाइनेटिक जो मशीनों की सहायता से जैसे पानी वाले खेल में ज़्यादा किया जाता है, जैसे रोइंग, नाव खेलना, तैरना आदि। नेक्स्ट है, मासिक धर्म के चक्र का सामान्य समय कितना होता है? तो 28 से 30 दिन का होता है। नेक्स्ट है, यदि 5 अंकों का माध्य
25 है तथा मानक विचलन 0 है तो पांचवें अंक का मान क्या होगा? तो इसको आप निकाल लीजिएगा, तो इसका राइट आंसर होगा 25 ही। नेक्स्ट है परक्यूजन मैनिपुलेशन का दूसरा नाम क्या है? यह मसाज से रिलेटेड है। मसाज जो है चार प्रकार का बताया गया है, स्ट्रोकिंग यानी सहलाना, प्रेशर यानी दबाना, परक्यूजन यानी थपथपाना जिसे टेपोटमेंट के नाम से भी जाना जाता है, चौथा है शेकिंग यानी मिलाना या झकझोरना। यहाँ पे परक्यूजन यानी कि थपथपाना को टेपोटमेंट भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी खेल शुरू होता है। तो दोस्तों हॉकी खेल जो है वह सेंटर पॉज से शुरू होता है। नेक्स्ट है लॉन्ग जंप में बराबरी होने पर यानी टाई होने पर प्रथम स्थान निश्चित कैसे किया जाता है? तो दोस्तों उसको एक चांस और दिया जाता है, तो अगला नेक्स्ट परफॉर्मेंस परिणाम को देखकर। नेक्स्ट है एक्सपीडोइड सिस्टम का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों एक्सपीडोइड सिस्टम का प्रयोग जो है वह टेबल टेनिस में किया जाता है, एक्सपीडोइड सिस्टम का। नेक्स्ट है हाइड्रोफोबिया होने का कारण क्या है? दोस्तों हाइड्रोफोबिया को रेबीज या अलर्ग रोग भी कहा जाता है। यह रहेबडू वायरस के द्वारा फैलता है। यह संक्रमित स्तनधारियों के काटने से फैलता है, जैसे कुत्ता, पागल कुत्ता, भेड़िया जो भी है। तो कुत्ते के काटने से आपके यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग। रेबीज या हाइड्रोफोबिया या अलग रोग में इसमें तंत्रिका तंत्र जो है ज्यादा प्रभावित होता है। पानी से डर लगता है, श्वास लेने में परेशानी और बुखार आ जाता है। नेक्स्ट है 50वां प्रतिशांक जाना जाता है। तो यह जाना जाता है माधिका के अंतर्गत। नेक्स्ट है बॉल स्टिक परीक्षण उपयोग किया जाता है। तो बॉल स्टिक का परीक्षण उपयोग संतुलन यानी बैलेंस मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है ऊंचाई मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे डायनामोमीटर जो है स्ट्रेंथ यानी शक्ति को मापता है अंगों की, गोनियोमीटर फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि जोड़ों के लचीलापन को मापता है, वर्नियर कैलिपर्स यह भार को मापता है, एंड स्टीरियोमीटर जो है वह शरीर की ऊंचाई को मापता है। ठीक है, स्टीरियोमीटर जो है ऊंचाई या लंबाई मापक यंत्र है। वर्नियर कैलिपर्स दोस्तों इसमें डाउट है, तो इसको देखिएगा अगर मैंने गलत बताया हुआ है तो। और जैसा कि मुझे याद है वर्नियर कैलिपर्स से भार को मेजर किया जाता है, अगर मैंने गलत बताया होगा तो आप उसको एक बार देखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है सीट एंड रीच टेस्ट की एक परीक्षा है। तो सीट एंड रीच जो होता है दोस्तों, एक जगह बैठ लिया जाता है, पैर को एकदम सीधा करके फिर वहां तक पहुंचा जाता है। तो सीट एंड रीच जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करता है। ठीक है, किसे मेजर करता है? फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन को। यहाँ पे लचीलापन दिया नहीं है, यहाँ पे इनमें से कोई नहीं आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है मानव विचलन किस केंद्रीय प्रवृत्ति के मांग से अन्य अंकों के फैलाव को दर्शाता है? तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा माध्य यानी कि मीन। नेक्स्ट है हृदय परिसंचरण दृढ़ता मापने की परीक्षा है, यानी कि कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस सहनशीलता को मापने की इसमें कौन सी है? तो 50 मीटर फराटा स्पीड को मापता है, शटल रन जो है एजिलिटी को मापता है, यहाँ पे 12 मीटर कूपर दौड़ या चालन परीक्षा आपका कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस को मेजर करता है। 12 मीटर रन वॉक को कूपर ने 1970 में बनाया था कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस को मापने के लिए, और 1982 में
कूपर ने 12 मिनट स्विमिंग, 12 मिनट साइकिलिंग एंड जॉगिंग, यह परीक्षण इन्होंने सब मैक्सिमल एरोबिक क्षमता को मापने के लिए बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस स्फिग्नोमैनोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो आप सबको पता है, यह ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सी धमनी रक्त को हृदय से फेफड़ों की ओर ले जाती है? तो दोस्तों, हृदय से अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए ले जाता है पल्मोनरी धमनी। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो कोरोनरी धमनी होती है, महाधमनी की प्रथम शाखा, वो हमारे हृदय को रक्त पहुँचाती है, हृदय की मांसपेशी को। ये कैरोटिड धमनी जो होती है, ये हमारे सिर और गर्दन को रक्त पहुँचाती है। नेक्स्ट है, परिपक्वता के आने तक कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि गायब हो जाती है अथवा बहुत छोटी हो जाती है? तो दोस्तों, परिपक्वता के आने तक जो हमारा थाइमस ग्लैंड होता है वह गायब हो जाती है। थाइमस ग्लैंड जो है, ये भी लिम्फोसाइट का निर्माण करता है, जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को ज़्यादा बरकरार रहता है। ये बच्चों में ज़्यादा एक्टिव रहता है, इसलिए बच्चे ज़्यादा मिट्टी उट्टी खाते रहते हैं तो भी वो बीमार नहीं पड़ते हैं। अगर हम लोग खा लेते तुरंत बीमार पड़ जाए। नेक्स्ट है, एक हृदय चक्र में वेंट्रिकल सिस्टोल एंड वेंट्रिकल डायस्टोल, यानी कि निलय संकुचन और निलय विस्तारण, क्या अनुपात कितना होता है? तो दोस्तों, हमारा जो हृदय है, एक धड़कन होने में 0.8 सेकेंड का समय लगता है। तो यहाँ पे जो वेंट्रिकल सिस्टोल होता है 0.3 सेकेंड एंड वेंट्रिकल डायस्टोल का समय होता है 0.5 सेकेंड, कुल कितना हुआ 0.8 सेकेंड। नेक्स्ट है, इनमें कौन सी एक अदिश यानी सेक्युलर क्वांटिटी है? तो अदिश माने जिसमें दिशा की आवश्यकता न हो, केवल परिणाम की आवश्यकता हो, और सदिश मतलब दिशा और परिणाम दोनों की आवश्यकता हो। तो इसमें कौन सा अदिश राशि है, यानी कि जिसमें दिशा की आवश्यकता न हो, केवल परिणाम की आवश्यकता हो? तो यहाँ पे कौन है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आयतन। ठीक है, इसमें केवल परिणाम की आवश्यकता है। नेक्स्ट है, प्राचीन ओलंपिक में विजेता को क्या पुरस्कार दिया जाता था? तो आप सबको पता है, जैतून के पत्ते का मुकुट यहाँ पे दिया जाता है था। नेक्स्ट दोस्तों, वह संस्था जो ओलंपिक खेलों में भारतीय दलों के हिस्सेदारी का निर्धारण करती है वो क्या कहलाती है? आप सबको पता है भारत में कौन है वो संस्था, IOA, ठीक है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1927 में सर दुर्गाबाजी टाटा के प्रयास से हुआ। नेक्स्ट है, ओलंपिक के आदर्श वाक्य RTS शब्द दर्शाता है। दोस्तों, CTS, RTS, Proteus, अब नया शब्द जुड़ गया है कम्युनिटर। अब ऐसा कहा जाएगा ओलंपिक के आदर्श वाक्य को, CTS, RTS, Proteus, कम्युनिटर, यानी फास्टर, हायर, स्ट्रांगर, टुगेदर, यानी और तेज और ऊंचा और बलशाली एक साथ। तो यहाँ पे CTS, RTS, और तेज और ऊंचा, यानी कि सबसे ऊंचा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सबसे ऊंचा। नेक्स्ट है, वह परीक्षण जो प्रतिक्रिया समय यानी रिएक्शन टाइम को मेजर करता है। दोस्तों, यहाँ पे रूरल ड्रॉप टेस्ट एंड स्टिक ड्रॉप टेस्ट दोनों रिएक्शन टाइम को ही मेजर करता है। तो यहाँ पे केवल स्टिक ड्रॉप टेस्ट दिया हुआ है, बट मेरे अनुसार ग और घ दोनों राइट होगा, स्टिक ड्रॉप टेस्ट एंड रूरल ड्रॉप टेस्ट। ठीक है, यहाँ पे खड़े होकर लंबी कूद, यानी कि सार्जेंट जब की बात कर रही है, जो एक्सप्लोसिव पावर ऑफ लेग यानी पैरों के बीच विस्फोटक क्षमता को मापता है। सटल रन जो है एजिलिटी की मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है? तो 37°C होता है सेल्सियस में, और फॉरेनहाइट में कहें तो 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट होता है।
बट यहाँ पे चार दिया है 18 मिनट, यही आपका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये था आज के सेशन में 50 MCQ क्वेश्चंस। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, जो भी डाउट होगा कमेंट में जरूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए जिससे अन्य लोगों तक वीडियो पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस में, तब तक के लिए जय हिंद।